हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 27 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और आज के वीडियो का टारगेट है 4K। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स, तिल्ली, अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट शरीर की कौन सी कार्यकारी प्रणाली का निर्माण करते हैं, इनकी निर्मित करते हैं, कौन सी हमारी तंत्र को निर्माण करते हैं एक तरह से इन सारी चीज से मिलकर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र, इनकी इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। लिम्फो नोड्स, तिल्ली और अस्थि मज्जा और लिम्फोसाइट, ये सारी चीज़ मिलकर एक तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के जो तंत्र है, एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र, इसका निर्माण करते हैं। और देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये एक तरह से इन सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये चीज़ लिम्फ नोड्स, अब इस फिगर में देख रहे होंगे, ये है लिम्फ नोड्स। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है हमारे इम्यून सिस्टम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस एक विकार है, इनकी एक प्रकार का एक डिसऑर्डर है, जो मनुष्य के शरीर के किस अंग की अपक्रिया, इनकी मेल फंक्शन के कारण होता है। इनकी कौन सी ऐसे फंक्शन जो एक तरह से जो हमारे शरीर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेल फंक्शनिंग करता है, यानी कि वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से हम देखते हैं यह है हार्ट, और जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और देखिए, इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब हमारे हृदय में एक धमनी होती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी, और देखिए इस कोरोनरी धमनी में क्या होता है, रक्त जो है जम जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो है जो हृदय में हम देखते हैं कि इसमें आगे जो है जो रक्त जमने के कारण हम देखते हैं कि इसमें सीने में दर्द होता है, और एक तरह से ये पूरी धमनी में अगर रक्त जम जाता है तो एक तरह से जो आगे वाले इसमें जो रक्त प्राप्त करने वाली पेशी तंतु होती हैं वो एक तरह से डेड हो जाती हैं, और जिसके कारण कई बार हमें देखते हैं कि इंसान को जो है हार्ट अटैक भी हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूमते हैं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाता है तो वह उपग्रह क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो देखिए कि अगर कोई पृथ्वी और उसके आसपास में कोई एक उपग्रह घूम रहा है और अचानक जो है गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए तो क्या होगा, वो अपनी मूल कक्षा के स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग से घूमता रहेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होगा, क्योंकि देखिए कि आपने देखा होगा कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसी दिशा में आगे मुड़ती है, अगर किसी दिशा में अगर उसमें कोई बल कार्य नहीं करेगा तो वो समान गति से काम करता है। ठीक है, तो उसी का ये एक एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल को घी यानी कि ठोस भाषा में परिवर्तित करता है, तो ऐसे कौन सा तत्व है जो वनस्पति तेल को घी में कन्वर्ट करता है, यह है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा असंतृप्त जो कार्बनिक यौगिक है उसको जो है कार्बनिक यौगिक से क्या होता है कि हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा ये संतृप्त यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एक तरह से देखते हैं कि ये ठोस भाषा इनके घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से देखेंगे कि ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट साबुन, डिटर्जेंट ये कॉमन लगेगा यहाँ पर, डिटर्जेंट साबुन की तुलना में बेहतर निर्मल अभिकर्मक होते हैं, एक तरह से हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि डिटर्जेंट साबुन से अधिक जो है बेहतर होता है, और ऐसा क्यों होता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा कि ये जो है एक तरह से डिटर्जेंट को कठोर जल के साथ धोने के लिए क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए इसका मेन क्या कारण है कि ये एक तरह से कठोर जल के साथ घुलनशील सोडियम और मैग्नीशियम के जो है ये लवण बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह से ये सफाई में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है, और इसमें जो क्लीनिंग एजेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें बेहतर होता है, जिसके कारण जो है हम देखते हैं डिटर्जेंट को हम जो है बेहतर मानते हैं साबुन की तुलना में कठोर जल के साथ यूज़ करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको बोला कि आप बैठ जाइए, इसका मेन क्या कारण होता है कि हम देखते हैं कि जो
नाव और यात्रियों के जो बीच है उनके जो गुरुत्वाकर्षण का स्तर जो है उच्च बनाए रखने के लिए ये यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोग जो है बैठे रहे और उसका गुरुत्व केंद्र का जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे ताकि नाव की जो है स्थिरता बनी रहे, इनकी नाव जो है नहीं पलटे, ठीक है। और दोस्तों ये बताऊं कि आपको कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मैं वहाँ से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से इसको देखिए कि ठीक है। सिचुएशन बेस ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी आजकल जो है साइंस में। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, सीमेंट का वह घटक जिसमें शीघ्र जमने तथा कुछ ही दिनों में उसमें स्ट्रेंथ अधिग्रहण करने का गुण होता है, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो सीमेंट होता है उसमें बहुत सारे के ऐसे चीज़ें होती है जिसमें जिसके कारण ये बहुत ही जल्दी जम जाती है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। और जिसके कारण ये बहुत जल्दी जम जाता है और इसमें बहुत जल्दी मजबूती भी आ जाती है। आपको बताऊँ कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, और देखिए सीमेंट में क्या क्या चीज़ होता है, ट्राई कैल्शियम कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम का मिश्रण है, ये इसको हम कहते हैं सीमेंट होता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये 50% तक इसमें होता है, जो एक तरह से जमने और उसको सामर्थ्य की मजबूती के लिए सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होती है कि जो हमारी जो वस्तु बनती है वो दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है। और देखिए इसमें दर्पण के पीछे बनने के साथ साथ क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा और ये वस्तु से वस्तु की जो एक्चुअल वस्तु उससे बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो अवतल दर्पण है, ठीक है, देखिए अगर अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो हमने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट व सर्च लाइट में भी किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक संक्रामक वायरल रोग है जो लार ग्रंथि में दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। तो देखिए दर्दनाक सूजन का कारण है ये है गलसुआ इनके मम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए इसमें क्या होता है कि ये लार ग्रंथि में एक तरह से सूजन पैदा करती है, और ये जो मम्स है इसके एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। और इसमें देखें कि इस रोग में क्या होता है कि इसमें पैरोटिक ग्रंथि का जो एक तरह से बड़ा इसमें रोल होता है और उसमें जो ये सूजन आ जाता है, ठीक है, तो इसका नाम याद रखेंगे मम्स। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ज़्यादा यूरिन कर रहा है तथा अधिक पानी पी रहा है परंतु उसके रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्य है, यह स्थिति किस कारण से हो सकती है, तो इस ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पस पिट्यूटरी ग्रंथि से वैसोप्रेसिन का हाइपोस्राव होना, यानी कि देखिए कि इस तरह की कोई भी ग्रंथि अगर वो अलग अलग चीज़ों का जो है स्राव करती है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक तरह से जो वैसोप्रेसिन एक जो है हार्मोन है, ये हमारी जो वृक्क है उसकी वाहिनियों और जो कोशिकाओं के बीच में जल के अवशोषण को जो है नियंत्रित करने का काम करती है, ठीक है। और ये क्या होता है जब ये अधिक अवशोषण करती है तो इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, इस तरह की जो है सिचुएशन पैदा हो जाती है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को भी नियंत्रण करने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिक्का रोग किस में होता है। तो देखिए टिक्का रोग एक प्रकार के जो हमारी फसलें हैं मूँगफली में ये रोग होता है। और देखिए इस रोग के हो जाने के क्या होता है कि ये पौधे में लगभग एक या दो महीने जब होते हैं पौधे तब ये रोग होता है, और इस रोग में पत्तियों के ऊपर बहुत अधिक धब्बे बने होने के कारण वो शीघ्र ही वो जो है पकने से पहले गिर जाते हैं, जिससे फसल जो है उसकी फलियां वो छोटी हो जाती है और वो कम होती है, यानी कि उनकी पैदावार कम हो जाती है। देखिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रोग के नाम मैंने यहाँ लिखा है, जैसे धान में झुलसा या ब्लास्ट रोग होता है, गेहूँ में काला कीट पीला कीट या भूरा कीट रोग होता है, और गन्ना में लाल सड़न, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किसके द्वारा पोषण मिलता है। तो देखिए जो भ्रूण है गर्भाशय में उसमें प्लेसेंटा के द्वारा पोषण मिलता है, और देखिए पोषण के साथ साथ इसको ऑक्सीजन भी मिलता है और एक तरह से रक्त को जो पहुंचाने में भी मदद करता है। आप इस फिगर में देखेंगे प्लेसेंटा एक जो एक कलरफुल ये जो कलरफुल है ये ऑप्शन प्लेसेंटा कहलाता है। और देखिए इसमें इसके द्वारा जो भ्रूण के द्वारा इनकी जो बच्चा होता है वो उसके द्वारा जो मल त्यागा जाता है उसको भी निकालने में ये मदद करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स इनकी गुणसूत्र किस में पाया जाता है। तो देखिए ये
टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है। और देखिए मनुष्य में जो है 23 पेयर यानी कि 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक तरह से जो गुणसूत्र होता है ये मानव में जो है मानव के जो अनुवांशिक गुणों का वाहक भी माना जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? कार्ल विलियम वॉन नागली ने 1842 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इनकी फलों की जो है सुगंध किसमें से किनमें आती है? तो यह इथाइल एसीटेट में एक तरह से फल की बहुत सुगंध आती है, इनकी खुशबू आती है। और देखिए इसका बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जो ग्लूज है, नेल पॉलिश हटाने वाला जो लिक्विड आता है, और डिकेफेनेटिंग चाय कॉफ़ी इनकी सुगंधित जो चाय आती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखिए ये एक तरह से जो है रंगीन तरल पदार्थ होता है और ये इसमें मीठी गंध होती है, एक तरह से अलग खुशबू होता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला C4H8 है और O2, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इथाइल एसीटेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं? तो देखिए उत्कृष्ट गैसें एक तरह से हमारे जिसको हम कहते हैं इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से इसलिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। ठीक है, सॉरी इसमें जो है इसका दोनों आंसर राइट होगा, इनकी इनका आयतन विभव अधिक होता है, इनकी ये ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए कि जो हमारी अक्रिय गैस है या इनर्ट गैस, इसमें हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये सारी जो है आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। और इसमें देखिए कि इसमें शून्य वर्ग के कारण इसको निष्क्रिय होते हैं, और इसका कारण ये होता है कि ये जो है इसको अक्रिय गैस हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए प्राकृतिक जो रबड़ है उसका जो मेन घटक है आइसोप्रीन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आइसोप्रीन एक तरह से ये पेड़ों की जो तना है या उसकी लता है उसमें उसका जो रस निकलता है, फिगर में देख रहे होंगे, जिसको हम कहते हैं लेटेक्स, और इससे ही प्राकृतिक रबड़ बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक सूंघने पर मौत क्यों हो सकती है? तो देखिए कार्बन इसमें क्या इसका मेन क्या कारण है? तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह को रोक देती है, इनकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगीन गैस है और ये ऐसा गैस है जो हवा से थोड़ी हल्की होती है, और ऊँची सांद्रता में ये मनुष्य और जानवरों के लिए जो है नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, और कम मात्रा में या जो हमारे सामान्य चीज़ों में हम देखते हैं इसका कम उपयोग करके काफ़ी सारे अपने जो जैविक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायुजनित यानी कि एयरबॉर्न बीमारी है? तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा बीमारी है जो एक तरह से हम देखते हैं कि ये एयरबॉर्न बीमारी है, ये है खसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इसमें जो एयरबॉर्न यानी कि ऐसी जो बीमारी है जो हवा के द्वारा फैलती है, इनकी संक्रमित होती है। और देखिए इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, चिकन पॉक्स हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा, चेचक, तपेदिक, ये सारे जो है एक तरह से एयरबॉर्न जो है प्रसारण के द्वारा इनकी हवा के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रोडेंटिसाइड क्या है? तो देखिए एक तरह से रोडेंटिसाइड ये क्या है, एक तरह से क्या कि कीड़े मारने वाली दवा है, पशुओं को मारने वाली एक दवा है, या एक तरह से एक जो है लुब्रिकेंट है, या ये कीटनाशक है? तो इसका राइट आंसर है कि इनकी एक पेस्टिसाइड है, एक कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और मेनली एक तरह से हम देखते हैं ये चूहों वगैरह इनको सारे मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये एक तरह से चूहों का जहर भी कहा जाता है, और आमतौर पर ये एक तरह से नॉन स्पेसिफिक पेस्ट होता है, और एक तरह से ये इसका जो हम देखें उद्देश्य मेनली क्या देखते हैं कि जो हमारी जो चूहे इन सब को जो है मारने के उद्देश्य से जो है इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए बाईसाइकिल जो एक तरह से मॉडर्न जो बाईसाइकिल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और इसको जो है इसका आविष्कार किया था किसने, मैकमिलन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए माइकल फैराडे, एडवर्ड बटलर और रूडोल्फ डीजल, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी, और एडवर्ड बटलर जिनने मोटरसाइकिल की खोज की थी। ठीक है, और देखिए रूडोल्फ डीजल जिनने डीजल इंजन की खोज की थी, और इनके नाम पर ही ये डीजल रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रत्यक्ष धारा इनके डायरेक्ट करंट के स्रोत हैं, इनकी एग्जाम्पल हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऑल ऑफ दी अबव, इनकी ड्राई सेल, कार बैटरी और
डीसी जनरेटर, ये सारे एक तरह से डायरेक्ट करंट के एग्जांपल हैं। देखिए डायरेक्ट करंट यानी जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा यानी या प्रत्यक्ष धारा, इसमें क्या होता है कि जो धारा जो है एक ही दिशा में बहने वाली धारा को जो है हम क्या कहते हैं प्रत्यक्ष धारा कहते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इनकी अल्टरनेटिव करंट, जिसमें हम देखते हैं कि विद्युत धारा जो है परिपथ में उनकी दिशा बदलती रहती है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, इनकी अल्टरनेट करंट है, इनकी एसी कहते हैं, इसको डीसी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का अपवर्तनांक इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो देखिए जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.13 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कि अपवर्तनांक होता क्या है, किसी भी पदार्थ के अपवर्तनांक एक तरह से एक सूचकांक होता है, या हम कह सकते हैं एक जो आयामहीन संख्या होती है, जो ये बताता है कि सामग्री के कोई भी जो पदार्थ है या सामग्री है उसके जो माध्यम से प्रकाश कितनी तेजी से फैलता है, और यही एक तरह से हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो देखिए इनकी प्रिज्म से अगर कोई जो रंग जो है अलग अलग उसमें जो है डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इनकी प्रकाश का परिक्षेपण इनकी डिस्पर्जन कहा जाता है। ठीक है, और देखिए रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और जो है डिफ्रेक्शन है इनके बारे में मैं कई बार बताया, अगर आपने नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ डिटेल में बताई गई है। ठीक है, और देखिए ये देखिए आप इस फिगर में देख रहे होंगे एक तरह से कि एक श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से जाती है तो एक तरह से ये अलग अलग जो है कलर में, जिसको विबग्योर नाम से हम उसको याद कर सकते हैं। आप लोग क्या बता सकते हैं इसमें जो है सबसे अधिक और सबसे कम किस रंगों का जो है यहाँ पे जो विक्षेपण होता है इनकी वो डिस्पर्स होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे एंडोस्कोपी में किया जाता है। ठीक है, और देखिए एंडोस्कोपी एक तरह से ऐसी होती है कि एक मशीन टाइप की होती है जो नाक के द्वारा जो है पेट में डाली जाती है, और जिसके द्वारा हम देखते हैं कि बिना एक तरह से बिना ऑपरेशन के बिना सर्जरी के जो है शरीर के आंतरिक अंगों को देखने में सक्षम किया जा सकता है, और इसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोपिक की जो उपकरण होता है उसमें किया जाता है। ठीक है, और देखिए कि इसकी जो खोज की थी एक तरह से हम देखते हैं कि जो पहला जो एंडोस्कोपी की जो किया गया था आविष्कार किया था ये फर्नांडो अल्वेस मार्टिस ने किया था। ठीक है, तो ये इनका नाम ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का एग्जांपल है? तो देखिए एक तरह से ये ऊष्मा छोपी इनकी एंडो जो है यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, इनकी ऊष्मा से भी इनकी एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, देखिए एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो इसमें एक तरह से हम देखते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम देखते हैं कि ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, इनकी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये हो गया क्या, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक कहते हैं, लेकिन जिसमें ऊष्मा जो है शोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं ऊष्मा सेपी। ठीक है, इनकी जो ऊष्मा का शोषण करता है उसको ऊष्मा शोषी कह देते हैं, इनकी एंडोथर्मिक बोलते हैं, यहाँ पे ऊष्मा छेपी है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, तो इसमें यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है, यहाँ पे शोषण किया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है वाट सेकेंड किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, और दोस्तों वीडियो को जैसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।